जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ज्ञान थेरेपी चैनल, एक ऐसा चैनल जहां पर हम बात करते हैं यहां पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस की जो यहां पे यूज़र फ्रेंडली होती हैं। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। खैर दोस्तों, ये मजाक था यहां पर, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा 2019 में कंपनीज बहुत सारे फ़ोन लॉन्च कर रही हैं एक के बाद एक, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रही हैं? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए बिजनेस का एक तरीका होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, जो भी होता है। पर क्या आपने कभी सोचा ये इनडायरेक्ट वे में अपना नुकसान तो कर ही रही हैं और साथ में आपका भी नुकसान कर रही हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि नेक्स्ट मंथ यहाँ पे रियलमी 4 प्रो या 5 प्रो, रियलमी एक्स प्रो, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ऐसा टेक न्यूज़ वगैरह में बताते रहते हैं। अभी इससे नुकसान क्या होता है, सबसे पहले दो बेसिक बात कर लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और दूसरा ये है कि इनकी वजह से फ़ोन को रीसेल वैल्यू नहीं मिलती, मतलब आप जब बेचने जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ऐसी कंपनी की बात करें जो ऐसी हरकतें नहीं करती, ज़्यादा फ़ोन लॉन्च नहीं करती, चाहे वो हमारे पास एप्पल हो, चाहे वो हमारे पास वन प्लस हो, तो इन फ़ोन की आप देखेंगे रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अब आ जाते हैं मेन बात पे। तो यहाँ पे कंपनी अगर ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करेगी, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अपडेट्स नहीं दे पाएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे किसी अपडेट को पुश करना, बार बार ढेर सारे ऐसे स्मार्टफोन होंगे अगर इनके कंपनी के, तो बार बार हर मॉडल के लिए देना मुश्किल है, इसीलिए दे नहीं पाते ये लोग। और यहाँ पे अगर ढेर सारे फ़ोन लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दे पाएंगे ये लोग, ज़्यादा ऐसे टेक्नोलॉजी आपको अगले फ़ोन में नहीं मिल पाएगी, थोड़ा बहुत चेंज करके आपको दे देंगे, ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर सकते, साथ में यहाँ पे क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और इससे बड़ा नुकसान होता है ब्रांड को खुद को, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। तो मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी रेडमी का K20 आया, K20 प्रो आया, तो यहाँ पे आपने देखा होगा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको लेने से मना कर दिया, यहाँ पे कहा प्राइस ज़्यादा है, या जो भी रीज़न है वाकई में प्राइस ज़्यादा है K20 का, जबकि यहाँ पे हम लोग K20 प्रो का जो प्राइस है उसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर लेकिन हुआ क्या, लोगों ने कहा प्राइस ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें OnePlus के फ़ोन के, तो आपने देखा होगा OnePlus 7 Pro सीधा कहाँ पहुँच गया, 50,000 रुपीज़ पे, फिर भी लोगों ने कहा प्राइस ज़्यादा है कुछ लोगों ने, लेकिन फिर भी वो फ़ोन बिके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पर। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये कहें कि यहाँ पे अगर हमें ज़्यादा फ़ोन मिलते हैं तो ज़्यादा फीचर मिलेंगे, मतलब हम जल्दी जल्दी फ़ोन चेंज कर पाएंगे। सच्चाई तो ये कि एक नॉर्मल यूज़र जब फ़ोन लेता है ना, 2-3 साल के लिए लेना चाहता है, ऐसे कमेंट करके आप लोग पूछते हो ना, तो वहाँ से पता लगता है क्लियर। तो अगर ये वीडियो किसी भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई देख रहा हो तो यहाँ पे थोड़ा सीरियस लेना, क्योंकि ये बातें मैं यहाँ पे एज अ यूज़र बोल रहा हूँ, तो जो यूज़र सोचते हैं वही बातें मैं बोल रहा हूँ, तो ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है। और साथ ही में यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने सर्विस सेंटर को सुधारना चाहिए, यहाँ पे अच्छी सर्विस दे सके कोई भी कंपनी हो, यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा Realme 3 Pro है, तो इसके सर्विस सेंटर भी काफ़ी सारे आने हैं। और यहाँ पे अगर इसके कलर OS की बात करें तो यहाँ पे लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसमें इनको सुधार करना चाहिए, ना कि रोज़ नए नए फ़ोन बनाने चाहिए। डार्क मोड अभी तक नहीं आया, आपने AMOLED डिस्प्ले दे दिया Realme X में, लेकिन डार्क मोड है ही नहीं। Redmi के Note 7 Pro में यहाँ पे कैमरा लैग था, कितने दिन बाद जाके सोल्व हुआ, अभी भी स्लो मोशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे पहले तो कहते सोल्व नहीं होगा, लेकिन बाद में सोल्व किया, पहले कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे एक यूज़र को क्या करना चाहिए, अपडेट पे ध्यान देना चाहिए, सर्विस सेंटर पे ध्यान देना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और साथ में अगर कंपनी बार बार अपडेट देगी, टाइम टू टाइम यहाँ पे एंड्रॉयड अपडेट देगी, तो आप नई नई एप्लीकेशंस को बिना किसी रुकावट थकावट के इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों Realme X की पूरी टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे इसका मे बी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में आपको इसका फुल रिव्यू मिल जाएगा, जिसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। बाकी आप दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप इन पॉइंट से कितना एग्री करते हैं, या फिर आप एक स्मार्टफोन कितने टाइम यूज़ करना पसंद करते हैं, या फिर आपका पसंदीदा ब्रांड कौन सा है। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।